ठीक है, तीन हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिए थे, वो आपने याद भी कर लिए हैं। अब हम चौथा हार्मोन पढ़ रहे हैं, ऑक्सिन। ठीक है, याद कीजिए कल हमने जब हम साइटोकाइनिन को हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक बात देखी थी कि एक पॉइंट था सेल डिवीजन से रिलेटेड, और आपने पढ़ा था कि ऑक्सिन के साथ मिलके सेल डिवीजन करवाते हैं। तो मीन्स ऑक्सिन का एक पॉइंट तो आपको पता ही है, ऑक्सिन सेल डिवीजन करवाएंगे। ठीक है, पहले ऑक्सिन का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ऑक्सिन आपके पास दोनों फॉर्म्स में होता है, नेचुरल फॉर्म में भी होता है, सिंथेटिक फॉर्म में भी होता है। सिंथेटिक फॉर्म का मतलब आप इंडस्ट्री में उसे प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने किया था? फ्रिट्स वेंड ने किया था, ये बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कब किया था ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि नेचुरल होता है, सिंथेटिक भी होता है। अब जितने भी नेचुरल फॉर्म्स हैं, अब नेचुरल फॉर्म्स के अंदर बहुत सारी हैं, जैसे एक आपके पास क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड आपके पास प्रिंसिपल टाइप है, मींस कि आपके पास जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं उनके अंदर ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड की फॉर्म में होता है। ऑक्सिन उसका एक कॉमन नेम है, लेकिन उसका केमिकल नेम क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ऑक्सिन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा प्लांट्स में कौन सी फॉर्म होती है, इंडोल एसिटिक एसिड। इस वजह से हम इंडोल एसिटिक एसिड को प्रिंसिपल टाइप ऑफ ऑक्सिन कहते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा आपके पास इंडोल एसिटिक एसिड ही मिलता है। ठीक है, सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, एपिसिस पे। एपिसिस आपको पता है रूट्स टिप को कहते हैं हम। ठीक है, तो रूट्स की टिप पे और स्टेम पे होता है। इसके अलावा अदर फॉर्म्स कौन सी हैं? अदर फॉर्म्स आपके पास हैं जो नेचुरल होती हैं, 4-क्लोरोइंडोल एसिटिक एसिड। इसका मतलब इसी इंडोल एसिटिक एसिड की 4 पोजीशन पे हमने क्लोरीन लगा दिया है। फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब इसी केमिकल के अंदर हमने फिनाइल का मतलब होता है C6H5, लेकिन ये बात आपको अभी याद नहीं रखनी, केमिस्ट्री में मैं पढ़ा दूंगा ऑर्गेनिक के अंदर। इसी तरह से इंडोल 3-ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड से उन्होंने क्या बना दिया, ब्यूटेरिक एसिड। जब हम एसिटिक एसिड में 2 कार्बन ऐड कर देते हैं तो वो एसिटिक एसिड से ब्यूटेरिक एसिड बन जाता है, लेकिन ये काम आपके लेवल का नहीं है। आपको सिर्फ इस स्लाइड के अंदर इतना याद रखना है कि नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। ठीक है, नेचुरल बहुत सारे होते हैं, नेचुरल बहुत सारे होते हैं, आपने नाम याद नहीं रखने, बस आपने इतना याद रखना है कि जो प्रिंसिपल टाइप है वो इंडोल एसिटिक एसिड है बस। ठीक है, सिंथेटिक फॉर्म्स कौन सी हैं? सिंथेटिक फॉर्म्स में आपके पास नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं नेचुरल में भी, और भी बहुत सारे हैं। फिलहाल इंडस्ट्री में जो मेनली हम तैयार कर रहे हैं वो नेप्थिलीन एसिटिक एसिड है और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। नेप्थिलीन से भी ज्यादा हम 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड यूज करते हैं। तो ये नाम आपने याद नहीं करने, बस आपने प्रिंसिपल टाइप याद रखनी है कि सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, बस और कुछ याद नहीं रखना। अब साइटोकाइनिन के अंदर हम एक पॉइंट पढ़ चुके थे, तो एक पॉइंट तो आप वही डिस्कस करेंगे कि ऑक्सिन का काम होता है सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट करना। सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 127, फिर 256, इस तरह से आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, सेल डिवाइड हो रहे हैं। सेल इनलार्जमेंट का मतलब है वाटर को एब्जॉर्ब करके उनका साइज बड़ा हो रहा है। सेल डिवीजन का मतलब सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। सेल इनलार्जमेंट का मतलब है सेल वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, इट स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट। सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है और किसको प्रमोट कर रहा है, सेल इनलार्जमेंट को। कहाँ पे कर रहा है, जहाँ पे खुद प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अभी आपने पढ़ा है रूट्स पे होता है और स्टेम पे होता है, और उनकी कहाँ पे होता है, टिप पे होता है। ठीक है, तो टिप के ऊपर सेल डिवीजन करवाएगा, सेल इनलार्जमेंट करवाएगा। अब जब ये टिप के ऊपर काम करेगा तो टिप की वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अगर ये टिप पे नहीं होता, साइड्स पे होता, तो जाहिर बात है प्लांट का डायमीटर बढ़ता। अभी तो क्योंकि ये टिप्स पे होते हैं इसलिए प्लांट की लेंथ बढ़ेगी, और आपको पहले पढ़ा चुका हूँ अगर प्लांट की लेंथ बढ़ती है तो इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो। ये तो काम हो गया सेल डिवीजन के लिए। अच्छा देखिए, सेल इनलार्जमेंट के लिए आपको पता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा ही है। अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो जाहिर है इनका साइज बड़ा होगा, और अगर वॉल बहुत हार्ड होगी तो क्या होगा, जब वाटर एंटर होगा तो वो वॉल फट जाएगी। जब एक वॉल के अंदर आप पानी भरते रहेंगे, एक सेल के अंदर आप पानी भरते रहेंगे तो क्या होगा, वॉल्स पे प्रेशर लगेगा, और उस प्रेशर की वजह से वॉल क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो सेल वॉल है उसको हम थोड़ी सी लूज कर देते हैं, वो बहुत हार्ड होती है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, उसे थोड़ा सा हम सॉफ्ट कर देते हैं। कैसे सॉफ्ट करते हैं, यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं इलास्टिन। इलास्टिन क्या करता है, सेल वॉल को लूज कर देता है। अब जब सेल वॉल लूज हो जाएगी तो वो सॉफ्ट हो गई है,
अब आप उसके अंदर जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करवाएंगे, जितना भी वाटर उसमें एब्जॉर्ब होगा तो वॉल जो है वो इजिली स्ट्रेच हो जाएंगी, ठीक है, और सेल अपने मैक्सिमम साइज तक जा सकता है। लेकिन अगर सेल वॉल हार्ड होंगी तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होगा सेल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, सेल वॉल रप्चर हो जाएगी। बात समझ आ रही है? इसलिए लेसन को हम स्टिमुलेट एलेसिन को हम रिलीज करते हैं जो कि सेल वॉल को सॉफ्ट कर देती है, जिसकी वजह से वाटर ज्यादा एंटर हो सकता है और सेल वॉल रप्चर नहीं होती। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, टोटल हम 8 पॉइंट पढ़ेंगे, उनमें से कोई से भी आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? देखें, आपने पढ़ा है रूट्स, अगर आपने देखा हो रूट्स को, तो रूट्स के साथ फॉर एग्जाम्पल ये रूट्स हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हो गई, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि रूट्स के साथ आपके पास कुछ जो है वो ब्राउन कलर का हेयरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब आपने देखा है जड़ों के साथ छोटे से बाल लगे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो ऐसी रूट्स जिनके ऊपर ये हेयर प्रेजेंट होते हैं इसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब है, वैसे भी आपने देखा होगा ना, अगर आप कोई पौधा अगर आप निकाल लें पौधे में से, तो आप देखेंगे कि उस पौधे की जो जड़ है उसके ऊपर बाल लगे हुए होंगे, हेयर्स होंगे, तो ऐसी रूट्स जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं इसे आप किसका नाम देते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये एडवेंटिशियस रूट्स को क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं। तो सिंपल से पॉइंट है यहाँ पे, उसे भी देख लीजिए। इट ऑल्सो इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। जाहिर है स्टेम के बेस से ही निकलेंगे, स्टेम के टॉप से तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि जमीन के अंदर जाना है ना, तो स्टेम के बेस से निकलेंगे। उसके बाद आ जाइए एब्सेशन के ऊपर। असल में एब्सेशन ही करवाते नहीं है, एब्सेशन कौन करवाता है याद कीजिए? एब्सेशन आपके पास एब्सेसिक एसिड करवाता है, याद है हमने एक हार्मोन और पढ़ा था एब्सेसिक एसिड। वो एब्सेसिक एसिड क्या करता है? वो एब्सेसिक एसिड जो है वो लीफ फॉल कराता है। तो असल में होता क्या है, प्लांट जब ग्रो कर लेता है या अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है, या तो प्लांट ग्रो कर लेता है, मेच्योर हो जाता है कम्प्लीटली, या फिर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म होने लगते हैं, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है, और अगर सेल मेच्योर हो चुका है तो अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होता है तो अब कौन प्रोड्यूस होने लगता है बॉडी में? एब्सेसिक एसिड, ठीक है। वो एब्सेसिक एसिड क्या करता है, एक लेयर बना देता है एब्सेसिक एसिड की, जिसे हम कहते हैं एब्सेशन लेयर, जिसकी वजह से लीफ फॉल हो जाता है। तो यहाँ देखिए, इन अ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स व्हेन ऑक्सीजन प्रोडक्शन डिमिनिश, ऑक्सीजन प्रोडक्शन डिमिनिश का मतलब जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन खत्म हो जाए, अ लेयर ऑफ थिन वॉल इज फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ पेटियूल। बेटा पेटियूल का मतलब आप कह लीजिए स्टेम होती है, जो कि आपके पास मेन स्टेम को लीव से कनेक्ट कर रही होती है। आपने देखा है ना एक पत्ता होता है, उस पत्ते के नीचे एक छोटी सी टहनी होती है, उस टहनी को हम पेटियूल कह रहे हैं, ठीक है। मैं यार अगर डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसे बनेगी यार, ये स्टेम है, ठीक है, ये देखो अब लीव आएगा ना, ये पेटियूल है, ठीक है, जहाँ से वो अटैच होता है स्टेम से, उस लाइन को हम कहते हैं पेटियूल। इसी तरह से जिस लाइन से फ्रूट अटैच होगा उसे हम कहेंगे स्टॉक ऑफ फ्रूट। सो अब इस लेयर को हम किसका नाम देते हैं? एब्सेसिक लेयर या एब्सेशन लेयर, क्योंकि ये मिलके किससे बनती है? एब्सेसिक एसिड से मिलके बनती है, जो कि क्या कॉज कराती है? लीफ फॉल। ये आपने सब पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, और हल्का सा जर्क आता है, क्योंकि जर्क आएगा तो वो पत्ता झड़ के नीचे गिरेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? लेकिन हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनिन जो है वो क्या करवाता है? सेल डिवीजन कराता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमने यहाँ पे यही पॉइंट को डिस्कस किया है, हमने कहा है कि सेल डिवीजन होती है, सेल लार्जमेंट होती है, कहाँ पे होती है? टिप पे होती है, रूट्स की और स्टेम की। फिर हमने पढ़ा जब सेल लार्जमेंट होगी इसका मतलब वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो सेल की वॉल्स पे प्रेशर लगेगा, और अगर सेल वॉल हार्ड होगी तो प्रेशर लगने की वजह से वो सेल वॉल फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब आप क्या करेंगे, प्लांट एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जो कि सेल वॉल को क्या कर देता है? सॉफ्ट कर देता है। उस केमिकल को हम कहते हैं इलास्टिन। क्यों इलास्टिन कहते हैं? क्योंकि वो इलास्टिसिटी को बढ़ा रहा होता है, लचक को बढ़ा रहा होता है। अब जब वाटर एब्जॉर्ब होगा सेल आराम से खिंच जाएगा, सेल फटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ये एडवेंटिशियस रूट्स बनती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब है वो रूट्स जिनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा
जब प्लांट मेच्योर हो जाता है तो ऑक्सीजन का काम खत्म हो जाता है, तो अब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एब्सिसिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। वो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड की एक लेयर फॉर्म कर देता है जिसे हम कहते हैं एब्सिशन लेयर या एब्सिसिक लेयर, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा होता है, लीफ फॉल, और साथ में हल्का सा जर्क आता है, क्योंकि हल्का सा झटका लगेगा तो वो लीफ जो है वो झड़के गिरेगा नीचे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। वो आपसे कह रहा है इट आल्सो प्रोड्यूसेस इन यंग एम्ब्रियो टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट। वो आपसे कह रहा है कि जो यंग एम्ब्रियो होता है, जो सीड होता है, ये उसके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, उसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, फ्रूट की ग्रोथ करवाते हैं। सही, अच्छा, एम्ब्रियो में तो होते ही है, लेकिन अगर किसी वजह से एम्ब्रियो नहीं बन पाता, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन के अंदर हम मेल और फीमेल गैमेट्स को मिलाते हैं, ठीक है, तो अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई है तो फिर जाहिर बात है एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एम्ब्रियो नहीं बनने का मतलब ओवरी नहीं बनेगी। जैसे आपने देखा है कुछ फर्टिलाइज एग होते हैं, कुछ अनफर्टिलाइज एग होते हैं, हैं तो बहुत सारे अंडे देती है लेकिन सब में से चूजा नहीं निकलता, ठीक है। इसका मतलब कुछ फर्टिलाइज होते हैं और कुछ अनफर्टिलाइज होते हैं। अनफर्टिलाइज वो होते हैं जो कि जिसके अंदर मेल कॉन्टेंट नहीं होता। फर्टिलाइज एग्स वो एग्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो कभी कभी इसी तरह से जैसे हैन के अंदर होता है, इसी तरह से प्लांट की बॉडी में भी कभी कभी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते, ठीक है। जब फ्यूज नहीं होंगे तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो भी ठीक है, अगर एम्ब्रियो नहीं बनता तो भी ठीक है। ऑक्सीजन दोनों कंडीशन में प्रोड्यूस होंगे। अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे, अगर एम्ब्रियो नहीं बनता तो उसके सराउंडिंग पे प्रोड्यूस हो जाएंगे और फिर फ्रूट को ग्रो करवाएंगे। ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक एक ऐसा फ्रूट होता है जिसके अंदर सीड नहीं होते। इसकी नेचुरल एग्जाम्पल है बनाना। बनाना के जो सीड्स होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होते। बनाना के सीड्स कभी भी वेल डेवलप नहीं होते। आप बनाना के सीड्स को जमीन में बो दीजिए, कभी भी प्लांट का ट्री, कभी भी बनाना का ट्री नहीं निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ खजूरें होती हैं, कुछ खजूरों के अंदर भी बीज नहीं होते, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। तो अगर एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो के साथ वो फ्रूट को ग्रो करवाएगा, अगर एम्ब्रियो नहीं है तो भी वो फ्रूट को ग्रो करवाएगा, ठीक है। लेकिन ये पार्थिनोकार्पी का जो काम होता है ये ज्यादातर जिब्रेलिन्स कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन का रोल होता है लेकिन ज्यादातर रोल किसका होता है, आपके पास जिब्रेलिन्स का होता है। वीडिसाइड, अच्छा देखिए वीड्स क्या होते हैं, वीड्स में आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये देखिए बेटा, ये एक प्लांट है, कंसिडर कर लीजिएगा एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है, बट ड्राइंग से क्या होता है बस समझ लीजिए, एक पौधा लगा हुआ है, ये आपका हो गया मेन प्लांट। ये मैंने लगा दिया सूरजमुखी का एक पौधा। आप देखते हैं इसके साइड में आसपास आपको क्या मिलेंगे, इसके साइड में क्या होगा, इसके साइड में कुछ छोटी मोटी जड़ी बूटियां उग जाती हैं। देखा है आपने, साथ में छोटी मोटी जड़ी बूटियां उग जाती हैं। आपने भी देखा है जब कोई बड़ा ट्री होता है तो उसके आसपास एक छोटी मोटी घासें उग जाती हैं या छोटी मोटी जड़ें उग जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं वीडिसाइड। इसे आप किसका नाम देते हो, सॉरी इसको आप किसका नाम देते हो, वीड्स का। तो जब आपके मेन प्लांट के साथ छोटी छोटी जड़ी बूटियां उग जाती हैं, छोटी छोटी कोई भी पौधे उग जाते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं, वीड्स का नाम देते हैं। अब होता क्या है, जो भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन है तो वो डिवाइड होने लगता है। अब आपके मेन प्लांट को तो मिलेगा लेकिन साथ में वीड्स को भी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन आ गया। जैसे जैसे वीड्स बड़ी होती रहेंगी, वीड्स की नीड भी बढ़ती रहेगी, और जब न्यूट्रिशन वीड्स लेना शुरू कर देंगी तो मेन प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा। तो इसका मतलब वीड्स आपके लिए जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन खा रही होती है वो मेन प्लांट के लिए, तो आपने इन वीड्स को किल करना पड़ता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, कोई भी एक बता दीजिए कि अगर हम वीड्स को किल करेंगे तो वीड्स को किल करने के लिए हम नेचुरल ऑक्सीजन को यूज करेंगे या सिंथेटिक। हाँ भाई, हमारे पास एक स्प्रे आता है वो हम लॉन्स वगैरह में करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो वीड्स किल हो जाती है। नर्सरीज वगैरह में हम वो स्प्रे यूज करते हैं जिसकी वजह से वीड्स किल हो जाती है। हाँ भाई, नेचुरल वीड्स नेचुरल ऑक्सीजन को यूज करेंगे यहाँ पे किल करने के लिए, सिंथेटिक। हाँ बिल्कुल, सिंथेटिक को यूज करेंगे, ठीक है, आप सिंथेटिक को यूज करेंगे। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ।
प्लांट से किसी भी केमिकल को एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं होता, और दूसरी बात, पहली बात तो एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसके लिए आपको कोई प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, डिकॉक्शन होता है, मैसिरेशन होता है, परकुलेशन होता है, ये सारे प्रोसेस आपके लेवल के नहीं है, आगे जाके आप पढ़ेंगे अगर आपने कभी प्लांट एक्सट्रैक्शन पढ़ी तो, अभी आप इसे भूल जाइए। दूसरी बात, एक्सट्रैक्शन कर भी ली, एक पौधे के अंदर याद कीजिए आपने हॉर्मोन्स पढ़े थे, हॉर्मोन्स में क्या लिखा होता है, दे आर प्रेजेंट इन माइन्यूट कंसेंट्रेशन, प्लांट के अंदर इसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि ना होने के बराबर, जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सैंपल ही नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, जिससे आपका काम ही नहीं होगा। जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लड ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं अपना ब्लड निकाल रहा हूँ तो जाहिर बात है मेरी बॉडी में तो बहुत सारा ब्लड है, आराम से आ जाएगा, सिरिंज आराम से भर जाएगी। लेकिन अगर मैं माइस की बात करूँ, चूहे की बॉडी में सिर्फ 1 ml ब्लड होता है, सिर्फ 1 ml ब्लड। अब उसकी पूरी बॉडी में 1 ml ब्लड है, आप सिरिंज से कितना निकाल लोगे, आपकी आधी सिरिंज भी नहीं भरेगी, अगर आप डायरेक्ट ब्लड, आप डायरेक्ट दिल से ब्लड निकालोगे तो। हम माइस को काट के डायरेक्ट हार्ट के अंदर निडल डाल के ब्लड निकालते हैं, फिर भी जाके 0.5 ml निकलता है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम जिस चीज में से वो चीज निकाल रहे हैं उसके अंदर वो चीज है कितनी। तो जब आप प्लांट से ऑक्सीजन को निकालोगे तो ना होने के बराबर निकलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्लांट्स आपको जाया करने पड़ेंगे, फिर जाके कुछ ना कुछ क्वांटिटी बनेगी। तो इससे बेहतर इंडस्ट्री में सिंथेसाइज कर लीजिए, कंटेनर में मटेरियल डालिए, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कीजिए, ताकि आपकी जो नीड है वो पूरी हो सके। इसलिए हम यहाँ पे सिंथेटिक यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, और दूसरी बात कॉस्ट कम लगे। तो यहाँ पे हम एक वीट, हम एक ऑक्सीजन का सैंपल यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। इसे हम यूज करते हैं वीट्स को किल करने के लिए, लॉन्स के अंदर और सीरियल क्रॉप्स के अंदर, फसलों को बचाने के लिए। अब ऐसा केमिकल जिससे हम वीड्स को किल करते हैं, उस केमिकल को हम कहते हैं वीडिसाइड, ठीक है। अभी तक, अरे यार टाइम इतना सारा हो गया, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सेल डिवीजन कर रहे हैं, सेल लार्जमेंट कर रहे हैं, एडवेंटिशियस रूट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ करवा रहे हैं, किसकी, फ्रूट्स की, एब्सिशन करवा रहे हैं, पार्थिनोकार्पी है, वीडिसाइड है। आगे चलिए, फ्लावरिंग को इनिशिएट कर रहा है, ठीक है, इट ऑल्सो प्लेज अ माइनर रोल इन इनिशिएटिंग ऑफ फ्लावरिंग। ये तो सिंपल सा पॉइंट है, फ्लावर्स को इनिशिएट कर रहा है। इट कैन डिले द सेनेसेंस, बेटा सेनेसेंस का मतलब होता है एज होना, द प्रोसेस ऑफ एजिंग इज नोन एज सेनेसेंस। डिले ऑफ सेनेसेंस का मतलब उम्र देर से होगी उस चीज की, ठीक है, इसका मतलब आपके ऑर्गन्स को वो फ्रेश कर रहा है। जब आपका ऑर्गन फ्रेश रहेगा, फंक्शन अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी एज नहीं होगी, ठीक है। तो सेनेसेंस का मतलब एज होना, डिले ऑफ सेनेसेंस का मतलब एज को डिले कर रहा है, प्लांट इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम सिंथेटिक ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं लॉन्स के अंदर, तो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये प्लांट है, ये हमने एक ओरिजिनल वैसी निकाल लिया है, ठीक है, कम स्प्रे करके, और यहाँ पे हमने देखें स्प्रे बहुत ज्यादा किया है, जहां पे आपको ब्लैकिंग नजर आ रही है। तो ये क्या कर रहा है, जब आप इसका स्प्रे करते हैं ना, तो ये रूट्स को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन की अमाउंट कम यूज करोगे तो प्लांट ग्रो करेगा, अगर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा यूज करोगे तो प्लांट कभी भी ग्रो नहीं करेगा, प्लांट जो है वो जल जाएगा। कोई सा भी केमिकल ले लो, अगर उसे हम कम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ मॉर्फिन। मॉर्फिन एक केमिकल है जो कि हम अफीम के पौधे से निकालते हैं, एक मेडिसिन है मॉर्फिन। जब हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, या कोई बहुत सीवियर किस्म का एक्सीडेंट होता है, गोश्त वोश फट जाता है, तो हम बॉडी में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं। मॉर्फिन एक खास क्वांटिटी में दोगे, कम क्वांटिटी में दोगे, क्या होगा, पेशेंट को पेन ठीक हो जाएगा, लेकिन मॉर्फिन बढ़ा दो, एक इंजेक्शन की जगह 2 इंजेक्शन लगा दो, पेशेंट कोमा में चला जाएगा, पेशेंट को इतना रेस्ट मिल जाएगा कि पेशेंट कोमा में चला जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब हम डोज को एडजस्ट कर देते हैं तो एडवांटेज होता है, जब हम डोज को बढ़ा देते हैं टॉक्सिसिटी होती है, 2 की जगह 3 इंजेक्शन लगा दो एक साथ, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, आप पेशेंट को लंबा ही चला दोगे, ठीक है। तो किसी भी चीज का इफेक्ट आपके पास डिपेंड करता है डोज के ऊपर। तो जब आप ऑक्सीजन की डोज कम यूज करते हो, प्लांट ग्रो करता है, ऑक्सीजन की डोज ज्यादा यूज करते हो, टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से वीड्स किल होना शुरू हो जाती हैं।
यहाँ पे देखें ये ब्लैकिंग जो आप ब्लैकनिंग जो आपको नजर आ रही है, ये हमने क्या किया है, ये हमने ऑक्सीजन को यूज किया है हाई कंसेंट्रेशन के अंदर, जिसकी वजह से ये जड़ें जो है वो जल चुकी हैं। जिब्रेलिंस पे आ जाइए। जिब्रेलिंस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम मौजूद नहीं है, साइंटिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से अगली लाइन में होगा। दो साइंटिस्ट थे, हयाशी और यबूटा। तो टी यबूटा एंड टी हयाशी ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था। कहाँ से डिस्कवर किया था, फंगस से डिस्कवर किया था। उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराए। ये नाम आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लीजिए, जिब्रेला फ्यूजिकोराए एक फंगस है जिससे हमने सबसे पहले जिब्रेलिंस को आइसोलेट किया था। ठीक है, जिब्रेलिंस भी आपके पास दोनों फॉर्म्स में भी होता है, सिंथेटिक भी होता है और नेचुरल भी होता है। अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है, ये फंगस होता है, अगर ये किसी प्लांट के ऊपर जाके लग जाता है तो क्या होता है भाई, प्लांट की हाइट इतनी बढ़ जाती है जरूरत से ज्यादा। ये सबसे पहले हमने एक डिजीज डिस्कवर की थी चावलों के अंदर, चावलों की एक फसल थी उसकी हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी, इसे हम कहते हैं फुलिश सीडलिंग। उसकी हाइट इतनी बढ़ गई थी क्योंकि जो जिब्रेलिंस का काम है, इसका काम है सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन होते 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 प्लांट की हाइट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो एब्नॉर्मलिटी पे चली गई थी। ठीक है, तो जब हमने उसमें से नोटिस किया तो हमने देखा कि उसके अंदर जिब्रेलिंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, तो हम समझ गए कि ये काम जो है वो जिब्रेलिंस की वजह से हो रहा है। तो बेटा इट वॉज फर्स्ट नोटिस इन जिब्रेला फ्यूजिकोरी। जिब्रेला फ्यूजिकोरी वो फंगस है जहां पे सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, पहली एक डिजीज थी जिसे हम कहते हैं फुली सीडलिंग, चावलों की एक फसल थी उसके ऊपर ये फंगस आके चिपक गया था, जिसकी वजह से उन चावलों की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, इसे हम कह रहे हैं फुली सीडलिंग। ये डिस्कवर किया किसने था, यबूटा और हयाशी ने डिस्कवर किया था। पहला पॉइंट सेम है, सेल डिवीजन और सेल एनलार्जमेंट कर रहा है, तो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। पार्थिनोकार्पी पॉइंट बिल्कुल सेम है, पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रिवेंशन फ्रॉम डिवॉर्फिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आपको पता है कि आपका प्लांट अगर शॉर्ट रह गया है, डिवॉर्फिज्म का मतलब शॉर्ट हाइटेड, अगर आपका प्लांट शॉर्ट रह गया है तो आप क्या करेंगे, आप उस पर जिब्रेलिंस का स्प्रे करें, क्योंकि जिब्रेलिंस का काम क्या है, हाइट को बढ़ाना। ठीक है, तो अगर किसी शॉर्ट हाइटेड प्लांट पे अगर आप जिब्रेलिन का स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा, वो प्लांट जो है वो वापस टॉल हो जाएगा, नॉर्मल हाइट पे हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल प्लांट पे जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे तो वो मजीद टॉल हो जाएगा, वो एबनॉर्मलिटी में आ जाएगा। लेकिन एक प्लांट की हाइट कम है, अगर उस पर आप जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जो हम स्प्रे करेंगे डिवॉर्फिज्म को ट्रीट करने के लिए, ये सिंथेटिक होगा या नेचुरल होगा, जल्दी से बता दीजिए, क्लास खत्म भी करनी है बेटा। ये जो हमारे पास जिब्रेलिंस का हम स्प्रे करेंगे इन ऑर्डर टू ट्रीट डिवॉर्फिज्म, जी डिवॉर्फिज्म को ट्रीट करने के लिए जो हम स्प्रे करेंगे वो बताइए सिंथेटिक होगा या नेचुरल होगा। सिंथेटिक ही होगा, बिल्कुल सिंथेटिक ही होगा। आपको रीजन पता है, जब हम प्लांट्स आइसोलेट करेंगे तो क्वांटिटी बहुत कम आएगी, तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए, ताकि वो चीज हमें सस्ती पड़े, इसलिए हम इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं और हमें जिब्रेलिंस को इंडस्ट्री में तैयार करेंगे और फिर हम उसके स्प्रे करेंगे। ठीक है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल डिवॉर्फिज्म इन प्लांट्स। अब देखिए, डिवॉर्फिज्म शॉर्ट हाइट दो वजह से हो सकती है, या तो जेनेटिकली हो रही है, फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड थे इसलिए वो शॉर्ट हाइटेड है, इसे हम कह रहे हैं जेनेटिक डिवॉर्फिज्म। फिजियोलॉजिकल डिवॉर्फिज्म का मतलब है उसे एक ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करवाती है जहां पे न्यूट्रिशन ही नहीं है। भाई अगर आप खाएंगे पियेंगे नहीं प्रॉपरली, आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए अगर आप वो लेंगे ही नहीं, तो जाहिर बात है आपकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी। तो अगर आप अपने पेरेंट्स की वजह से शॉर्ट हाइटेड हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिवॉर्फिज्म, और अगर आप अपनी बिहेवियर की वजह से या किसी डिफिशिएंसी की वजह से शॉर्ट हाइटेड हैं, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डिवॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, पोलन ट्यूब्स और पोलन ग्रेन्स। बेटा पोलन ग्रेन्स मैं चैप्टर 4 में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस फिलहाल अभी इतना से याद रख लीजिए। पोलन ग्रेन्स जो है, कभी आपने अगर फूल देखा है तो फूल के ऊपर येलो येलो कलर की डॉट्स होते हैं। फूल खोलिएगा, कभी कोई सा भी फूल खोल लीजिएगा, उसके ऊपर येलो येलो कलर के डॉट्स होंगे, उन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। वो असल में मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जाके पोलन ट्यूब के अंदर गिरते हैं और फिर वहां पे एक फ्लावर बनना शुरू हो जाता है। सो इट स्टिमुलेट्स द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब।
ये पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएगा, मेल प्लांट से उठाएगा और फीमेल प्लांट तक ले जाएगा, ठीक है। वहां पे जाने के बाद पोलन ट्यूब को फॉर्म करवाएगा। ये टॉपिक चैप्टर 4 का है रिप्रोडक्शन के अंदर। जब हम प्लांट की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये आ जाएगा। इसके अलावा ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ये पॉइंट बिल्कुल सेम है। इट इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, जैसे आपने इथीन में पढ़ा था। फ्लावरिंग, इट ऑल्सो इनिशिएट फ्लावरिंग। तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन तकरीबन सेम है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसके बाद। मोबिलाइजेशन ऑफ स्टोर फूड इन एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म का मतलब है जो भी सीड के अंदर जो सीड है, जो सीड कोट के अंदर जो सीड है ना, उसे हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं। वो कह रहा है कि एंडोस्पर्म के अंदर सीड है, मेरा गला खराब हो रहा है कुछ। वो आपसे कह रहा है कि सीड, जो सीड कोट है, उस सीड कोट के अंदर सीड प्रेजेंट है, ठीक है। सीड के अंदर फूड होता है। आप बादाम खाते हैं ना, बादाम से आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। अखरोट से आपको न्यूट्रिशन मिलता है। तो जो भी बीज है उनके अंदर फूड होता है, फूड स्टोर होता है। लेकिन उस फूड को एक्टिवेट कौन करता है, उस फूड को जिब्रेलिन एक्टिवेट करता है। वो क्या कह रहा है, दे ऑल्सो मोबिलाइज द स्टोर फूड इन एंडोस्पर्म बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को, मैं यार यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा हो जाएगा, मुझे पढ़ाना भी है असल में, चलो मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ। देखो होता क्या है, जिब्रेलिन करता क्या है, जिब्रेलिन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं अमाइलेस, ठीक है। अमाइलेस का काम क्या होता है, अमाइलेस का काम होता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और प्लांट हमेशा ग्लूकोज को यूज कर सकता है। तो प्लांट की बॉडी में फूड तो था लेकिन वो प्लांट फूड यूज नहीं कर सकता था, तो इसने क्या किया, इसने अमाइलेस को रिलीज किया। अमाइलेस क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और अब ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट यूज कर सकता है। तो इस फूड को यूज करते हुए प्लांट क्या करता है, एक एम्ब्रियो को डेवलप करता है, मींस वो सीड के अंदर से बेबी निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है बर्ड स्प्रोटिंग, इट ऑल्सो इनिशिएट्स अ बर्ड स्प्रोटिंग। बर्ड स्प्रोटिंग का मतलब है वो जो स्टेम के ऊपर जो गांठ होती है जो फटती है, फिर उसके बाद लीफ निकलता है, तो उन्हें भी स्टार्ट करते हैं ये। अभी देखें आपको दो तरह के अंगूर नजर आ रहे होंगे, एक नॉर्मल अंगूर होते हैं और एक दूसरे अंगूर होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है। इसका उर्दू में एक नाम है, वो नाम मुझे याद नहीं है, सुरखानी ऐसी कुछ है इसका नाम। सुरखानी के अंगूर होते हैं, ये थोड़े से लंबे होते हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, अगर प्लांट की बॉडी के अंदर जिब्रेलिन कम है तो ग्रेप्स कैसे नजर आएंगे, राउंड। और अगर प्लांट की बॉडी के अंदर जिब्रेलिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो प्लांट, तो ये जो आपके पास ग्रेप्स हैं ये आपको कैसे नजर आएंगे, एलोंगेटेड, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने वो देखा है बैंगन, कुछ बैंगन आपको राउंड नजर आते हैं, गोल होते हैं, कुछ बैंगन लंबे होते हैं। तो जो राउंड है उसके अंदर जिब्रेलिन की कंसेंट्रेशन कम है, और जो बैंगन लंबे हो चुके हैं उसके अंदर जिब्रेलिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर कोई भी फ्रूट आपको इलांगेट नजर आ रहा है तो इसके अंदर मतलब उसके अंदर जिब्रेलिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर कोई भी फ्रूट आपको राउंड नजर आ रहा है इसका मतलब उसके अंदर जिब्रेलिन की कंसेंट्रेशन कम होगी। देखो जो भी पढ़ो उसे डेली लाइफ से रिलेट जरूर किया करो, ताकि आप आगे जाके कोई ना कोई चीज डिस्कवर जरूर कर सको, आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो सके। ये देखिए, ये एक प्लांट है जिसका नाम है वाइल्ड रेडिश, इसे हम एनुअल फ्लावरिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर एक साल के बाद फूल आते हैं। तो यहाँ देखिए पहला वाला केस, पहले वाले केस के अंदर हमने जिब्रेलिन का स्प्रे नहीं किया था, सेकंड वाले केस में हमने जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया, तो देखें फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए। तो अब याद कीजिए वही वाला पॉइंट, यहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, इट ऑल्सो इनिशिएट्स द फ्लावरिंग, ठीक है। इसका मतलब अगर आप कहीं पे जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं तो उसके अंदर फ्लावर्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, दोनों को सेम टाइम हुआ है, ये भी एक साल का है ये भी एक साल का है, लेकिन एक के अंदर जिब्रेलिन कम है एक के अंदर जिब्रेलिन ज्यादा है। जिसके अंदर जिब्रेलिन ज्यादा है तो उसके अंदर आपको फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो मैंने आपको बताया था कि सीड में से एक बेबी निकलता है, वो छोटा सा एक डायग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे भी देख लीजिए। होता क्या है, जब आप वाटर अप्लाई करते हैं तो ये देखें, ये जिब्रेलिन है, जी ए, ये जिब्रेलिन है। ये जिब्रेलिन क्या प्रोड्यूस करेगा, मैं यार इसे मार कर देता हूँ। ये जो जिब्रेलिन है आपके पास, ये जिब्रेलिन क्या प्रोड्यूस करेगा, ये देखें आपने क्या किया, वाटर अप्लाई किया,
आपने वाटर दिया, जिब्रेलिन्स एक्टिवेट हो गए। जिब्रेलिन्स क्या करेंगे, अमाइलेज को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अमाइलेज क्या करेगा, इसके अंदर जो स्टार्च है, ठीक है, इस स्टार्च को वो क्या करता है, इस स्टार्च को शुगर में मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस स्टार्च को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में। और अब इसी शुगर को प्लांट यूज करेगा और देखें वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो बात समझ आ रही है, जैसे आप वाटर अप्लाई करेंगे जिब्रेलिन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जिब्रेलिन्स क्या करेंगे, अमाइलेज को प्रोड्यूस करेंगे। अमाइलेज क्या करेंगे, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से अब ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी और प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल से मैंने कोई साइंटिफिक रीजन भी इंक्लूड किया है, मैं देख लेता हूँ, अगर इंक्लूड है तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। वो आपसे कह रहा है कि व्हाई पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किस वजह से बन रहे हैं, आपको बताएं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो आपके पास कौन एक्टिवेट हो जाते हैं, ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स। ठीक है, ये ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, ये ओवरीज को मैच्योर कराते हैं बगैर फर्टिलाइजेशन के। वरना ओवरीज हमेशा जब मैच्योर होती हैं, जब आपके पास स्पर्म कंटेंट होता है, मींस मेल कंटेंट होता है, जैसे ही ओवरीज के साथ मेल कंटेंट मिलता है, ओवरीज मैच्योर होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से मेल कंटेंट नहीं आ रहा, तो अब क्या होगा, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन्स ये काम कर रहे होते हैं कि जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन्स ओवरीज को मैच्योर करवाते हैं बगैर फर्टिलाइजेशन के। बगैर फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने के बगैर, जिसकी वजह से क्या होता है, बेगर फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, सो इट इज नेचुरल एज इन केस ऑफ बनाना प्लांट। ये नेचुरली किसमें होता है, बनाना प्लांट के अंदर। आर्टिफिशियली हम जो है ये खजूरों के अंदर करते हैं, डेट्स के अंदर करते हैं। तो ये आसान सा रीजन है, वो आपसे सिंपल ये पूछ रहा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है वो क्यों फॉर्म हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो आपको पता है, अगर मेल कॉन्टेंट नहीं है, स्पर्म नहीं है, कोई बात नहीं, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन मिलकर काम करेंगे। ज्यादा रोल इसमें जिब्रेलिन का होता है। जिब्रेलिन क्या करते हैं, ओवरीज को मैच्योर करेंगे बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के, जिसकी वजह से फ्रूट का साइज है वो इंक्रीज होने लग जाता है। बस यहाँ पे एंड हो गया। अब मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे आपको समझ आ गया है।